आज मैं आपको सूजी का बहुत ही टेस्टी रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए एक कटोरी सूजी ले, दो बड़े चम्मच इसमें मैंने पीसा चीनी डाला है, एक छोटे चम्मच मैंने इलायची डाला और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे दूध डाल के मैं इसका एक घोल बना लूँगी। इसे अच्छी तरह से फेंट के आप मिक्स कर दें और जब यह घोल अच्छी तरह से आपका मिक्स हो जाए तब आप इसे ढक के 10 से 15 मिनट छोड़ दें। इधर मैं एक फ्राई पैन में 1 लीटर दूध ली हूँ और उसे गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। दूध जब हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें अब इस दूध में मैं कंडेंस मिल्क डालूंगी और उसे भी मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसे मिक्स करने से हमारा दूध और भी गाढ़ा हो गया है। देखिए हमारे दूध का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 1 पिंच तक केसर डालूंगी जिससे कि इसका कलर और भी बढ़िया आ जाए और केसर का जो फ्लेवर हो वो बहुत ही अच्छा आए। इसके लिए मैंने केसर इसमें डाल दिया है। ये देखिए हमारा जो दूध है वो बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब आप इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख दें और इधर हमारा सूजी जो है वो देखिए बिल्कुल फूल गया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी ताकि ये मेरा जो डो है वो थोड़ा लिक्विड हो जाए और इसमें मैं थोड़ी सी दूध और ऐड कर दी हूँ। अब इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब एक इनो का पैकेट खोले और उसे इस सूजी में डाल दें। क्वांटिटी में आप 1 चम्मच इसे डाल सकते हैं और इसे फिर आप सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। अब इडली स्टैंड में आप 1-1 चम्मच करके इस बैटर को डालें। आप पहले अच्छी तरह से घी लगा लें इडली के स्टैंड में और उसके बाद ही इसे इस तरह से इसमें डालें और उसे स्टीम करके अच्छी तरह से पका लें। ये हमारा देखिए बिल्कुल रसमलाई जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। ये बिल्कुल स्पंजी और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई है और इधर हमारा दूध भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब जो ये हमारा रसमलाई है, ये जो मैंने सूजी के बनाए हैं वो काफ़ी स्पंजी और ये है। आप इसे इस तरह से देखें, ये बिल्कुल स्पंजी है। अब इसे धीरे धीरे इस दूध में डालती जाए। देखिए दूध में डालने से हमारा जो ये रसमलाई है वो फ्लोट कर रहा है। ये जब रस को पी लेगा तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाएगा और भी ज़्यादा। ये हमारी रसमलाई बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। जब घर में कुछ ना हो तो घर की चीज़ों से कुछ इस तरह की मिठाई बनाए तो बच्चे भी खुश और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी कि आज मैंने कुछ अच्छा बनाया है।